Good morning, students. How are you all? I hope you are doing very good in your studies while staying at home. So keep this spirit on, ठीक है बेटे? And अपने आप को please demotivate मत करना, because some students were raising a question yesterday, ma'am we don't have book, how to study then? बेटे हम teachers को पता है आप लोगों के पास book नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से अपना सिलेबस का पैटर्न और सिलेबस क्या क्या इंक्लूड करें ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जिससे आप कंफर्टेबली वाइल स्टेइंग एट होम विदाउट एनी टेक्स्ट बुक कम्प्लीट कर सको, ताकि हम आपको साइड बाय साइड असाइनमेंट भी इशू कर सके, अलॉट कर सके. सो प्लीज़ डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ, ओके स्टूडेंट्स? चलो अब नाउ कम ऑन द स्टडी पार्ट. आप सबको पता है कल हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में? अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा, इस तरीके से अरेंज कर दो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए. अब वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आप कंक्लूजन ड्राइव कर सको, आप कुछ चीज़ समझ के कुछ डिसीजन ले सको, दैट इज़ कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा. और अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का हमने सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब इसके नाम से डिराइव हो रहा है, भाई डेटा को ना क्लासेस वाइज अरेंज कर दो, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे स्कूल में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एंड नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट जो मेरिट लिस्ट में आते हैं, जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में नहीं आते, सेग्रीगेट कर दूँ, दो क्लासेस में बना दूँ, है ना? दो मतलब क्लास बना दी मैंने, उस वाइज मैंने क्या कर दिया, डेटा को अरेंज कर दिया, स्टूडेंट्स को अरेंज कर दिया, ताकि मैं पता लगा सकूँ, मैं इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकूँ और कंक्लूड कर सकूँ, आगे की प्लानिंग कर पाऊँ, डिसीजन ले पाऊँ, इसलिए मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करना पड़ता है, ठीक है? फिर मैंने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. मैंने बहुत सारे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन या जिसके बेसिस पर मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ बहुत सारा पढ़ा, जैसे ज्योग्राफिकल के बेसिस पर, ठीक है, टाइम के बेसिस पर पढ़ा, नंबर्स के बेसिस पर पढ़ा, क्वालिटीज़ के बेसिस पर पढ़ा, ठीक है? तो ये सब मैंने मतलब मैथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा, जो मैंने कल आपको एग्जाम्पल्स वाइज क्लियर करा था. अब क्वेश्चन आता है बेटे, मैंने कल भी आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताई थी, मीनिंग बताया था. एक स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू आम आदमी क्या होता है भाई? नंबर्स. वो चीज़ जो नंबर है वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स. हालांकि ये चीज़ पूरी ठीक नहीं है. क्यों? हम वो ही नंबर्स पढ़ते हैं जो एक नंबर ना हो, क्या हो? अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. अब ये ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ बेड, आई हैव अ टेबल, आई हैव टू टीवी एट माई होम, मैम ये तो बहुत सारे नंबर्स हो गए, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? आप खुद सोचो, क्या आप इन सब चीज़ों को आपस में रिलेट कर सकते हो? अगर आप रिलेट नहीं कर सकते तो आप इनसे कोई भी डिसीजन ड्रॉ या इंफॉर्मेशन ड्रॉ नहीं कर सकते. तो ये वाले नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाते. अगर मैं बात करूं बच्चे कि मेरे यहाँ पर 11th और 12th के हर सेक्शन के बच्चों की एवरेज हाइट इतनी है, तो मैं इन सब हाइट को, बहुत सारे नंबर्स आ गए एवरेज हाइट में, पर क्लास आ गए, जैसे 11C1, 11C2, 12C1, 12C2 की मैंने चारों सेक्शंस की एवरेज हाइट निकाल ली, एवरेज जो मैं बाद में बताऊंगी कैसे करते हैं. जैसे आपने अपना टेंथ में भी मीन पढ़ा होगा, है ना? मीन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आपने एवरेज हाइट निकाल ली चारों सेक्शंस की, 11C1, 11C2, 12C1, 12C2 की. अब आप चारों सेक्शन में से ये डिराइव कर सकते हो किस सेक्शन की हाइट सबसे ज़्यादा है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पे कौन है. आपने क्या करा? रिलेट कर रहे हो ना इस डेटा को. हालांकि ये क्या है? एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स. बहुत सारे नंबर्स हैं आपके पास, और ये नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? जिनको मैं आपस में कंपेयर कर सकती हूँ, आपस में रिलेट कर सकती हूँ, कंक्लूजन डिराइव कर सकती हूँ और आगे एनालिसिस कर सकती हूँ. वो ही नंबर्स, वो ही एग्रीगेट नंबर्स ऑफ फैक्ट्स मेरे क्या कहलाते हैं बेटे? स्टैटिस्टिक्स. ठीक है भाई? अब
आगे मैं बोलती हूँ, जो भी मैं चीज़ पढ़ती हूँ वो नंबर्स में होती है ना, और वो जो मैं पढ़ती हूँ मैं स्टडी क्यों करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें चेंज होती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, या इफ़ आई से ओवर द टाइम, ठीक है। सो मैं इकोनॉमिक्स में जो डेटा पढ़ती हूँ वो मेरा डेटा किससे किसके अकॉर्डिंग होता है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग होता है। अब वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल एक चीज़ है एनीथिंग जो वेरी करता है, वेरी का मतलब जो चेंज होता है ओवर द टाइम। अब स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं बात करूँ भाई, ह्यूमन बींग्स के कलर ऑफ हेयर चेंज होते हैं ओवर द टाइम। जैसे भाई जब आप यंग होते हो तो आपके हेयर ब्लैक एंड ब्राउन होते हैं, जब आप ओल्ड एज में जाते हो दे टर्न टू ग्रे हेयर्स, है ना, हेयर ग्रे हेयर हो जाते हैं, मतलब इस इट मींस ये आपकी एज वाइज चेंज होते हैं, एज टाइम वाइज होती है, तो इट मींस ओवर द टाइम कलर ऑफ हेयर चेंज होता है। लेकिन क्या कलर ऑफ हेयर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, एज स्टैटिस्टिक्स में मैं हमेशा क्या पढ़ती हूँ, नंबर्स जिनको मैं आपस में कोरिलेट कंपेयर कर सकूँ उसको ही स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करती हूँ। अदरवाइज ये जो वैल्यूज़ हैं क्वालिटीज़ हैं इनकी कोई जगह स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। हालांकि क्लासेस बनाने के लिए क्लासेस के नाम क्वालिटीज़ वाइज हो सकते हैं, लेकिन उन क्लासेस के अंदर इंक्लूड क्या होगा, नंबर्स इंक्लूड होंगे, डेटा इंक्लूड होगा विच इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है बच्चे। सो अब जो मैं चीज़ पढ़ती हूँ जो ओवर द टाइम पीरियड चेंज हो जाता है और जिसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर पाती हूँ, न्यूमेरिकली मेजर कर पाती हूँ, दैट थिंग इज कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर हुआ बच्चे, दैट थिंग इज कॉल्ड वेरिएबल। तो मैं अपने स्टैटिस्टिक्स में किन चीज़ों को स्टडी करती हूँ, आई स्टडी वेरिएबल। इसका मतलब मेरे को डेटा को क्लासेस वाइज वेरिएबल, मतलब मेरे को वेरिएबल में अपनी चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या चीज़ चेंज हो रही है, और वो चीज़ अगर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है तो वो वेरिएबल नहीं है। अगर कोई चीज़ ओवर द टाइम चेंज हो रही है और विच इज़ कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इन नंबर्स, जो नंबर्स में एक्सप्रेस हो पाती है, उसी को ही मैं क्या बोलती हूँ बच्चे, वेरिएबल बोलती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टेक योर एग्जांपल ऑफ मार्क्स, ओवर द टाइम चेंज होते हैं और जिनको मैं नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, सो मार्क्स क्या है, वेरिएबल, ठीक है। टेक द एग्जांपल ऑफ सैलरी, इनकम, प्रॉफिट, सेल्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, पॉपुलेशन, मार्क्स, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। आप कोई भी एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हो, कोई भी चीज़ जो टाइम पीरियड या ओवर द टाइम चेंज हो रही है और जिसको मैं नाप सकती हूँ नंबर्स में, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है, क्वालिटेटिव एक्सप्रेस्ड नहीं होती। क्लियर है बच्चे। सो वेरिएबल इज एनीथिंग दैट वेरीज, वेरीज का मतलब चेंजेस ओवर द टाइम एंड इज एबल टू बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड वेरिएबल। और मैं इस वेरिएबल को स्टडी करती हूँ इन ऑर्डर टू डिराइव कंक्लूशन, एनालाइज करती हूँ ताकि मैं डिसीजन ले सकूँ, ठीक है। फ्यू एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड फॉर यू पीपल, आप इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने तरीके से भी इंक्लूड कर सकते हो, बट ध्यान रखिए दो चीज़ें होनी चाहिए उस थिंग में, एक तो वो चेंज हो ओवर द टाइम और जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, ठीक है, वो ही चीज़ क्या कहलाएगी बेटे, वेरिएबल कहलाएगी। क्लियर हुआ, जैसे कि मैंने बोला भी हेयर कलर, आपके बालों का कलर ओवर द टाइम पीरियड चेंज होता है, बट ये चेंज मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाती, सो ये हेयर कलर आपके बालों का जो कलर है वो आपका वेरिएबल नहीं है, इट जस्ट एन एट्रीब्यूट, सिर्फ ये क्या है, क्वालिटी है, ठीक है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती है बट उसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाती, सो ये हेयर कलर एग्जाम्पल नहीं है किसका, वेरिएबल का। होपफुली आपको ये समझ आया हो, ठीक है। अब बेटे जिस ऑर्डर में मैं डेटा को अरेंज करती, मतलब सपोज मैंने एक टेबल बना दी, मैंने एक ऑर्डर वाइज टेबल बना दी, तो उस टेबल को मैं क्या बोलती हूँ बेटे, सीरीज। अब सीरीज का मतलब क्या है, आप खुद बताओ, रोल नंबर वाइज
स्टूडेंट्स को मैं लिखती हूँ ना, अरेंज करती हूँ ना, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, जैसे अमित, मोहन, सोहन, राम, युवराज एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने इन बच्चों को किस वाइज अरेंज करा, एक सीरीज वाइज। वो सीरीज का वे क्या था, रोल नंबर वाइज, है ना। तो इस ऑर्डर को, ये लॉजिकल ऑर्डर है ना, जिनको मेरे को पढ़ने में थोड़ा इजी कंफर्टेबिलिटी मिल रही है, उस ऑर्डर को मैं क्या बोलती हूँ बेटे, सीरीज बोलती हूँ। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ना भाई एक हिसाब रखती है डेज ऑफ वीक, हर हफ्ते का। ठीक है, मिल्क क्वांटिटी वाइज कि कितने लीटर मिल्क मिला, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे, 2 लीटर मिल्क लिया, परचेज करा, 2.5 लीटर परचेज करा, 2 लीटर इस दिन हमें नहीं चाहिए था, मतलब हमने लिया ही नहीं, 0 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर। अब बेटे ये आपको क्लियर हो रहा है ना, किस दिन मम्मी ने कितना दूध परचेज करा, ये एक हिसाब रखा गया है मिल्क का, डेज ऑफ वीक वाइज, एवरी वीक आप हिसाब रख रहे हो, तो ये एक ऑर्डर मैनेज कर दिया ना मम्मी ने, तो इसको क्या बोलते हैं बेटे, सीरीज। इस ऑर्डर को जिसमें मैं अरेंजमेंट ऑफ डेटा करती हूँ, दैट इज कॉल्ड अ सीरीज। तो कोई भी लॉजिकल ऑर्डर जिसमें डेटा को अरेंज करा जाता है, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, हम सेकेंड थर्ड क्लास से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, तो वो ऑर्डर क्या है, एक सीरीज है। असेंडिंग सीरीज में कन्वर्ट कर देना, डिसेंडिंग सीरीज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं बेटे, ऑर्डर कहलाते हैं। तो उस ऑर्डर में जब मैं अरेंजमेंट करती हूँ, तो वो मेरी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। ओके क्लास, अब मैं आपको बेसिस ऑफ सीरीज सिखाऊंगी। हाँ जी क्लास, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने टाइप्स ऑफ सीरीज या टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ा बता रहा है। ठीक है, लिखा है, ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है ये मैं 2 वे से बना सकती हूँ। फर्स्ट बेसिस क्या है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल करेक्टर, मतलब वैल्यूज एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर मैं अपने डेटा को सीरीज में कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब इनमें कितने टाइप्स ऑफ सीरीज आती है, 3। नंबर 1 टाइम सीरीज, नंबर 2 स्पेशल सीरीज मतलब एरिया वाइज सीरीज, और 3rd कंडीशन सीरीज, कुछ भी लाइक हाइट वाइज, इनकम वाइज, एज वाइज, वट एवर इट बी, दैट कम्स अंडर कंडीशन सीरीज। ठीक है बेटे, अब मैं टाइम सीरीज का आपके सामने एग्जांपल देने जा रही हूँ। आप खुद देखिए बेटे, यहाँ पर मैंने लिया ईयर और यहाँ पर लिया प्रॉफिट इन रुपीस। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चे, प्रॉफिट क्या है मेरा, वेरिएबल जो ओवर द टाइम चेंज होगा और जिसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकती हूँ। तो मैं स्टडी किसकी कर रही हूँ, प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या है, वेरिएबल अकॉर्डिंग टू ईयर, मैं स्टडी कर रही हूँ प्रॉफिट की अकॉर्डिंग टू ईयर। ईयर क्या है बेटे, टाइम। सो ये कौन सी सीरीज बनेगी, टाइम सीरीज। क्लियर हुआ बेटे? अब बच्चे कहेंगे मैम आपने इनको क्लासिफिकेशन बोलता, बेटे क्लासिफिकेशन तो सिर्फ ये है। ठीक है, प्रॉफिट का क्लासिफिकेशन किस वाइज, ईयर वाइज, लेकिन जो ये ऑर्डर और ये अरेंजमेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है भाई, दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सीरीज। फॉर एग्जांपल 2010, 2011, 2012 में प्रॉफिट था 100, 110 करोड़, 120 करोड़। ठीक है, सो मैंने प्रॉफिट को, वेरिएबल को अरेंज करा है एक सीरीज में, और वो सीरीज का बेस क्या है बेटे, ईयर, एंड ईयर इज टाइम।
तो ये सीरीज मेरी क्या बन गई बेटे, टाइम सीरीज। ठीक है, अब स्पेशल का मतलब एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज सपोज मेरी 3 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और 3 डिफरेंट स्टेट्स में हैं। ठीक है, एक है यूपी में, एक है हरियाणा में, और एक है सपोज कहीं पर भी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सो मैंने अपने प्रॉफिट को, अपने वेरिएबल को अरेंज करा है किस वाइज बेटे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्टेट्स, एंड स्टेट्स क्या है, एरिया। तो ये सीरीज क्या बन गया बेटे, स्पेशल सीरीज, मतलब एरिया बेस्ड सीरीज। ओके, आगे चलो। कंडीशन, कंडीशन कुछ भी, एक जनरल कंडीशन क्या हो सकती है, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हाइट। ठीक है, आप हाइट हो गया, आपकी इनकम हो गई, आपका प्रॉफिट वाइज अगर आपने कुछ भी बता रखा है, अपने वेरिएबल को अरेंज कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका कंडीशन सीरीज। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम यहाँ पे वेरिएबल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल वाइज हम फ्रीक्वेंसीज जांचेंगे कैसे बेटे। फॉर एग्जांपल, 11C1 में एक टेस्ट हुआ, ठीक है, और मैम ने मार्क्स वाइज क्लासिफिकेशन करा, जनरल वे है, कंडीशन बेस है कि जो कंडीशन चली उसी वाइज हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, एक सीरीज बना दी, और यहाँ पर क्या लिखा बेटे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आपका ध्यान एक जगह पर लेकर आना चाहूँगी बेटे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा और मार्क्स क्या कहलाएगा। सबसे पहले देखो वेरिएबल क्या है बच्चे, वेरिएबल क्या है, मार्क्स। मार्क्स ओवर द टाइम चेंज होते हैं, जिसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कर सकती हूँ। सो मार्क्स इज व्हाट, अ वेरिएबल। ठीक है, आप यहाँ पर स्टडी किसकी कर रहे हो, मार्क्स की कर रहे हो। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि इतने मार्क्स कितने बच्चों के आए, इतने मार्क्स कितने बच्चों के आए। ठीक है, मैं पहले एक प्रॉपर एक सीरीज बना रही हूँ। सपोज 20 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है, और सपोज ये आए 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। मैंने ये मार्क्स की रेंज बना दी और मैंने क्लासिफाई कर दिया, मतलब मेजर कर लिया कितने बच्चे 0 to 5 हैं। सपोज 1 ये हैं और टोटल स्टूडेंट मेरी क्लास में हैं 10 स्टूडेंट्स। मैं सपोज कर रही हूँ बेटे एक एग्जांपल, ठीक है, और 5 to 10 में आए 3, और 10 to 15 में आए 4, तो बचे कितने, 7 and 8, 12 बच्चे किस में आए बच्चे, 10 है ना, 10 वाइज ले रहे हैं, मेरे को लगा 20 स्टूडेंट्स हैं, 7, 8 बच्चे कितने, 2 स्टूडेंट्स, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 10 स्टूडेंट्स को मैंने एक सीरीज में अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है, अब आप सोच के बताइए बच्चे ये कौन सा सीरीज बना, दिस इज कंडीशनल सीरीज, दिस इज अ सीरीज बेस्ड ऑन अ कंडीशन, और वो कंडीशन क्या थी, टेस्ट, और टेस्ट कैसे मेजर होता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग मेजर होता है। क्लियर हुआ बच्चे, अब मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि मार्क्स क्या हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं, आप खुद देखो बच्चे 0 to 5 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हम मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू अ गिवन वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मतलब कितना रेपिटेशन है, 0 to 5 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 1, 5 to 10 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी है क्लास में, 3 बच्चों की, इसका मतलब 3 बच्चे रेपिटेटिव हैं जो कितने मार्क्स ले रहे हैं, 5 to 10। सो ये 3 क्या कहलाएगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ 5 to 10 मार्क्स। ठीक है भाई, अब 10 to 15 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 4, तो 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 10 to 15 मार्क्स की क्या बन जाएगी बेटे, फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे
टोटल कितने बच्चे हैं जिन्होंने 10 से 15 मार्क्स लिए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मार्क्स. और 15 टू 20 में कितने बच्चे हैं, दो. तो 15 टू 20 मार्क्स में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी. और जिस चीज़ की हम जांच कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आर वेरिएबल. वेरिएबल का आप देख लीजिए, मार्क्स में दोनों करेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रहे हैं. एक ये ओवर द टाइम पीरियड चेंज होगा एंड विच इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. सो ये हमारा क्या बन गया, एक सीरीज कंडीशन बेस्ड. तो इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे बेटे, कंडीशन सीरीज. हाइट वाइज भी ले सकते हो, इनकम वाइज भी ले सकते हो, प्रॉफिट वाइज भी ले सकते हो. वट एवर बी द जनरल कंडीशन फॉर यू टू डेवलप अ सीरीज, आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, इसलिए सीरीज का बेसिस क्या है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल करेक्टर. ठीक है, मतलब नेचर. आगे हालांकि हम मेनली क्या पढ़ेंगे बच्चे, ये पढ़ेंगे अपने स्टैटिस्टिकल सीरीज में. आपकी बुक में भी यही गिवन है, ये मैंने एक्स्ट्रा कराया आपको क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इनका कोरिलेशन आपको बताऊंगी. ठीक है, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. हम अपनी सीरीज को मेनली दो बेसिस पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. हालांकि मैंने तीन लिखे हैं लेकिन इन तीनों, ये दोनों एक ही टाइप का पार्ट है, मतलब एक ही कैटेगरी के दो अलग अलग टाइप्स हैं. देखो, एक हम करते हैं विदाउट फ्रीक्वेंसीज, विदाउट फ्रीक्वेंसी. एक करते हैं विद फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब वो सीरीज जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती. फ्रीक्वेंसी आपको पता चली बेटे, एक चीज़ कितनी बार आई वो उस चीज़ की क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी. क्लियर हुआ? अब अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल सीरीज. क्या कहलाएगी बेटे, इंडिविजुअल सीरीज. अगर वो फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने अपने डेटा को ऑर्डर में अरेंज करा है फ्रीक्वेंसी वाइज, तो उसको क्या कहेंगे, सीरीज विद फ्रीक्वेंसी. अब जो विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटे, इंडिविजुअल सीरीज. और जो विदाउट फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो दो तरीके की सीरीज होती हैं. नंबर वन, डिस्क्रीट सीरीज. नंबर टू, कंटिन्यूअस सीरीज. ठीक है, आई होप आपको ये थ्री क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया होगा. मेनली है विदाउट फ्रीक्वेंसी और सेकेंड वन विद फ्रीक्वेंसी. विदाउट फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, जो सिंगली ऑर्डर होती है, इंडिविजुअल बेसिस पर ऑर्डर होती है, जो फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होती. और जो फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड होती है वो दो तरीके की होती है जिनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे. वन इज डिस्क्रीट, अनदर वन इज कंटिन्यूअस. ठीक है बच्चे, अभी मैं एक बार दोबारा से एक एग्जाम्पल वाइज आपको क्लियर करती हूँ कि भाई इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है. हाँ जी, सबसे पहला मैं ले रही हूं इंडिविजुअल सीरीज. इसका नाम बता रहा है जो इंडिविजुअल है, जो फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में चार बच्चे हैं, ए बी सी डी. चलो पांच बच्चों का मैंने एग्जाम्पल लिया, पांच बच्चे हैं ए बी सी डी ई. मैंने एक टेस्ट लिया ऑफ 10 मार्क्स. ठीक है, अब मैंने टेस्ट में मार्क्स आए ए के 10, बी के 8, सी के 7, डी के 10, ई के 8. ठीक है बच्चे, अब मैंने ना इसको विदाउट फ्रीक्वेंसी, अब सब बच्चे ध्यान से देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किस किस की आ रही है, सोच के बताओ. 10 मार्क्स की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, दो. इसका मतलब मेरी क्लास में 10 मार्क्स अटेन करने वाले कितने बच्चे हैं, कितने का मतलब 10 मार्क्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट वाइज, टू. है ना, इसका मतलब अगर मार्क्स 10 हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू. ठीक है, 8 मार्क्स वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2. 8 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 2. सो 8 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2.
सेवन मार्क्स की फ्रीक्वेंसी सिर्फ कितनी है, एक एक ही बच्चा है जो सेवन मार्क्स ले रहा है, ठीक है। अब ध्यान से बताओ बेटे, ये जो मैंने सीरीज बनाई, अपने डेटा को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया है ना, मार्क्स है 10, 8, 7, और 10 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे, दो, इसका मतलब 10 मार्क्स की कितनी फ्रीक्वेंसी, दो, 8 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे, दो, सो 8 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी इज 2, 7 मार्क्स लेने वाला सिर्फ एक ही बच्चा है, तो कितने बच्चे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी 7 मार्क्स की, 1। अब मैंने क्या लिखा है, इंडिविजुअल सीरीज। अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है बेटे, सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी। अब आप अपनी कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, क्या ये सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, नॉट एट ऑल। क्यों, क्योंकि इस सीरीज में क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं सेम चीज को नाम वाइज मार्क्स मार्क्स लिख दूं अलग से, तो वो विदाउट फ्रीक्वेंसी बनेगी, सो इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। कौन सा, ये एग्जांपल इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। अब इंडिविजुअल सीरीज कैसे बनेगी, यहां पर लिखो नेम, यहां पर लिखो मार्क्स, ठीक है। ए के कितने मार्क्स आए, 10, बी के कितने मार्क्स आए, 8, सी के 7, डी के 10, ई के 8, ठीक है। ये क्या बन गई, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, मार्क्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है, नहीं ना, नाम वाइज मैंने सिर्फ मार्क्स लिख दिए एक ऑर्डर वाइज, और ये ऑर्डर क्या था, नेम ऑर्डर। तो ये कौन सी सीरीज बन गई बेटे, इंडिविजुअल। अभी इंडिविजुअल सीरीज भी बहुत तरीके से बन सकती है, नेम वाइज, रोल नंबर वाइज, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं बोलूं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस सीरीज क्या होगा बच्चे, असेंडिंग मतलब स्मॉलर, बिगर, बिगेस्ट नंबर, विच वन इज द स्मॉलर नंबर, 7, देन 8, अगेन 8, देन 10, देन 10, इन सारे मार्क्स को मैंने किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया, असेंडिंग। आप खुद देख सकते हैं मैंने इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी है ना, इंडिविजुअल नंबर्स को अलग से अलग अलग करके लिख दिया, तो ये कौन सी सीरीज है बेटे, इंडिविजुअल। अगर मैं अपने क्लास में बच्चों के सीरियल नंबर दे रही हूँ, क्या सीरियल नंबर एक वेरिएबल है, नहीं बच्चे, ये तो बेसिक कंसेप्ट है जिसके वाइज मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बच्चों को अरेंज करती हूँ ताकि मैं काउंटिंग कर सकूँ। सपोज मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, और उनका नाम है ए बी सी डी, या अगर मैं नाम भी नहीं लिख रही, सीरियल वाइज मैं मार्क्स बता रही हूँ कि जो फर्स्ट है उसके 10, देन 9, देन 8, देन 7, देन 5, ये मार्क्स हैं, तो इनके साथ भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, सो ये कौन सा एग्जांपल है बेटे, इंडिविजुअल सीरीज का। अगर मैं सीरियल नंबर की जगह पर रोल नंबर लिख रही हूँ, तो रोल नंबर भी हमारा वेरिएबल नहीं है, ये एक लॉजिक है, एक लॉजिकल वे है जिसमें मैं बच्चों को एक इजी वे से, एक आइडेंटिफिकेशन के वे से डेटा को अरेंज करती हूँ। क्या ऐसा है कि 10 नंबर लेने वाला एक बच्चा, 9 नंबर लेने वाला 2 बच्चा, या 2 रोल नंबर के 9 बार नंबर आए, नहीं ना, ये तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। रियल में वेरिएबल क्या है बेटे, मार्क्स, रोल नंबर इज नॉट द वेरिएबल, ठीक है। सो मार्क्स को स्टडी कर रही हूँ और मैंने इंडिविजुअल बेसिस पर रोल नंबर वाइज लिखा है, रोल नंबर इज नॉट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक चीज कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रही है। यहाँ पर आपको नहीं पता चल रहा कि 10 नंबर कितनी बार आए, 9 नंबर कितनी बार आए, 8 नंबर, क्या उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी है, नहीं लिखी, सो ये क्या है बेटे, इंडिविजुअल सीरीज, ओके। ये क्या बनी बच्चे, इंडिविजुअल सीरीज, ओके। अब हम करेंगे अपना डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। हाँ जी क्लास, बोर्ड पे मैंने आपको सेकेंड बेसिस जो चल रहा था, जो कंस्ट्रक्शन का बेसिस था, जिसे हमने 2 टाइप्स की सीरीज पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी बेस्ड और नॉन फ्रीक्वेंसी बेस्ड,
जो हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज करी दैट इज विदाउट फ्रिक्वेंसी मतलब नॉन फ्रिक्वेंसी बेस्ड सीरीज ओके, और जो हमने कंटिन्यू डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज पढ़ी बेटे वो हमने किसके वाइज पढ़ी, किसके वाइज पढ़ी, फ्रिक्वेंसी वाइज पढ़ी ओके क्लास। अब डिस्क्रीट सीरीज भी फ्रिक्वेंसी वाइज होती है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे मार्क्स लूँ उसके साथ उसकी क्या गिवन होगी, फ्रिक्वेंसी, और मार्क्स किसके हैं बेटे, स्टूडेंट्स के, तो ये फ्रिक्वेंसी किस में होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, है ना। सेम मैं यहाँ पर भी एग्जांपल ले लूँ, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, फ्रिक्वेंसी, मार्क्स क्या कहलाएगा, वेरिएबल, मार्क्स क्या कहलाएगा, वेरिएबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके क्या कहलाएंगे बेटे, फ्रीक्वेंसी। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, पांच बच्चे हैं मेरी क्लास में ए बी सी डी ई, ठीक है। अब पांच बच्चों में से सपोज ए के 10 मार्क्स आए, बी के 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, ठीक है बच्चे। अब मैंने ना मार्क्स का असेंडिंग ऑर्डर ले लिया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मार्क्स क्या है, 2, देन 7, देन 8, देन 10, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए बेटे 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1, 7 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1, 8 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1, और 10 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2। अगर ये इंडिविजुअल होती तो मुझे ये 10 बार दोबारा लिखना पड़ता, क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करनी इंडिविजुअल सीरीज में, लेकिन मैं डिस्क्रीट सीरीज, इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं उसको अलग से नहीं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगी। 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे क्या लिख दो, 3 बार आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिख देंगे, 3। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया भाई फ्रीक्वेंसी सीरीज का। अब भाई फ्रीक्वेंसी सीरीज भी दो टाइप्स की होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। बेटे डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती हैं जो किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती हैं, जो डिस्क्रीट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जो फाइनाइट नंबर होता है, मतलब जो होल नंबर होता है, मतलब जो फ्रैक्शन में नंबर नहीं होता। अगर मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन से नंबर्स हैं बेटे, फाइनाइट एग्जैक्ट नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूँ 2.2, 2.4, 2.6, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये फाइनाइट्स नहीं है, दीज आर इनफाइनाइट्स, फ्रैक्शनल बेस्ड हैं। हमें फ्रैक्शनल बेस्ड नंबर को डिस्क्रीट सीरीज में नहीं पढ़ते, ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं है, ये डिस्क्रीट नंबर के वजह से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम एग्जैक्ट नंबर को जहाँ पर स्टडी करते हैं, आप देखो मैंने ये एग्जांपल लिया 2, 7, 8, 10, ये वेरिएबल्स पढ़ रही हूँ बेटे, और ये कौन से नंबर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर, इनमें से एक भी नंबर आपका फ्रैक्शन बेस्ड नहीं है, फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल बेस्ड नहीं है। तो ये सीरीज कौन सी सीरीज कहलाएगी बेटे, डिस्क्रीट सीरीज ओके क्लास। अब मैं आपके सामने कंटिन्यूस सीरीज समझाने जा रही हूँ, वही जो सीरीज क्या रिप्रेजेंट करती है, कंटिन्यूस वेरिएबल, मतलब जो चीज़ डिस्क्रीट में नहीं होती वो कहाँ होती है, कंटिन्यूस में। मतलब यहाँ पर मैं मतलब आपका एग्जैक्ट नंबर स्टडी करती हूँ, यहाँ पर मैं आपके फ्रैक्शनल नंबर स्टडी करती हूँ, डेसिमल बेस्ड नंबर स्टडी करती हूँ। इसका मतलब मैं एक रेंज में डेटा को अरेंज करती हूँ, रेंज का मतलब जिसका ओपन एंड हो और जिसका क्लोज एंड हो, ओपन एंड एंड क्लोज एंड मतलब एक ग्रुप, एक क्लास बन जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्क्स पढ़े, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्या है बेटे, फ्रीक्वेंसी, एज कंटिन्यूस सीरीज इज अ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज, है ना। अब मैंने लिखा भाई 0 से 5 नंबर, 5 से 10 नंबर, 10 से 15 नंबर, 15 से 20 नंबर, क्लियर हुआ। अगर किसी बच्चे के बेटे 6.5 मार्क्स आए हैं
वो मैं डिस्क्रीट में डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे कौन सी सीरीज बनानी पड़ेगी, कंटिन्यूअस सीरीज, और आप इसको किस इस फ्रैक्शन को, इस डेसिमल नंबर को कहाँ पर इंक्लूड करोगे, 6.5 कहाँ आएगा, आपका 5 to 10। सो ये 6.5 मार्क्स लेने वाले कितना बच्चा, एक बच्चा, और किस क्लास के आगे लिखूंगी, क्लास का मतलब रेंज, किस क्लास के आगे लिखूंगी, 5 to 10। सपोज 0 to 5 लेने वाले दो बच्चे, 5 to 10 लेने वाला एक बच्चा, 2 to 3 बच्चे, ठीक है। तो ये इसमें मैं डेसिमल बेस्ड या फ्रैक्शन बेस्ड नंबर्स को भी इंक्लूड कर सकती हूँ। इट मींस कंटिन्यूअस सीरीज वो सीरीज है जो मेरी रेंज